नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बॉलीवुड मसाला में एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले हफ्ते बिग बॉस सीजन 12 का आगाज़ हो चुका है और आप सभी जानते हैं कि सबसे धमाकेदार एंट्री जो की है हमारे जलोटा साहब ने। उन्होंने ऐसी लगन लगाई है अपने से 38 साल छोटी लड़की के साथ कि सारा मीडिया, सारा बॉलीवुड, सभी उन पर कुछ खट्टी मीठी चटपटी सी प्रक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ तो कह रहे हैं कि पब्लिसिटी स्टंट है, तो कुछ लोगों को ऐसी मिर्ची लगी है कि क्या कहने। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि क्या चटपटी प्रतिक्रियाएं उनकी एंट्री पर मीडिया में आई हैं। और अभी मैं बिग बॉस पर ही रहना चाहूँगा कि आपने देखा कि अनूप जलोटा अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ वहाँ पर हैं। उनकी जो छवि थी भजन सम्राट की, उसको ग्रहण लग गया इससे? तो देखिए, कलाकार को मेरा मानना है कि अपनी छवि, पहली बात तो किसी कलाकार को मिलती नहीं है, अगर मिलती है तो उसे थोड़ा संभाल के रखना चाहिए। अनूप जी का एक बढ़िया सॉन्ग है, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, जसलीन हो गई मगन। क्या सचमुच उनकी गर्लफ्रेंड है इतनी हॉट? अनूप जी तो एकदम ओल्ड नहीं लग रहे? आई थिंक एक पैर कब्र में लग रहा है। संजय दत्त और पूजा भट्ट की सुपरहिट फिल्म सड़क के रीमेक का काफी समय से इंतजार था। सड़क 2 का ऐलान तो काफी समय पहले हो गया था, लेकिन इस फिल्म की स्टार कास्ट का अभी तक कोई अता पता नहीं था। इस फिल्म में पूजा भट्ट, संजय दत्त, आलिया भट्ट और आदित्य रॉय कपूर मुख्य भूमिकाओं में इस बार नजर आएंगे। इस फिल्म को महेश भट्ट खुद डायरेक्ट करेंगे और कल महेश भट्ट के बर्थडे पर इस फिल्म को लेकर बड़ी घोषणा कर दी गई है। बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को 34वें प्रियदर्शनी अकादमी ग्लोबल अवार्ड्स में स्मिता पाटिल अवार्ड से नवाजा गया। इस दौरान अनुष्का ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों इस अवार्ड को लिया। अल्ट बालाजी के मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज XXX अनसेंसर्ड का ट्रेलर आज रिलीज हो गया है। इस ट्रेलर में बोल्ड और इंटीमेट सीन्स की भरमार है। 5 एपिसोड की इस सीरीज में अलग अलग 5 लोगों की फैंटेसी और सेक्स लाइफ की कहानियां दिखाई जाएंगी। ट्रेलर की शुरुआत में ही बता दिया गया है कि स्टोरी बंटी और मलाइका की है और वेब सीरीज के नाम ने इसे बेहद ही साफ कर दिया है कि इसमें बोल्ड कंटेंट की भरमार है। आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के लुक पोस्टर के टीजर को जारी कर दिया गया है। अमिताभ बच्चन और फातिमा सना शेख के बाद तीसरे टीजर का लुक जारी किया जा रहा है। यह लुक जॉन क्लाइव का है, जिसमें आमिर खान ने लुक टीजर को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर अपने फैंस के साथ साझा किया। आमिर खान भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसका बजट 1000 करोड़ रुपए होगा। यह फिल्म महाभारत का फिल्मी रूपांतरण होगा और आमिर अगले कुछ साल तक सिर्फ इसी फिल्म के लिए काम करेंगे। मगर जो अब खबरें आ रही हैं, उनसे लगता है कि इस अति महत्वाकांक्षी फिल्म का भविष्य खटाई में पड़ने वाला है, क्योंकि खबर ये है कि आमिर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के इच्छुक नहीं हैं और उन्होंने इसे बनाने का विचार भी छोड़ दिया है। लव रात्रि के बाद लव यात्री पर भी एतराज, फिर से सलमान खान की मुश्किलें बढ़ गई। दरअसल मामला ये है कि सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा की अपकमिंग डेब्यू फिल्म लव रात्रि का नाम बदलकर लव यात्री किए जाने के एक दिन बाद हिंदू संगठन ने गुजरात उच्च न्यायालय से बुधवार को कहा कि उन्हें यह नया नाम भी मंजूर नहीं है। शहर के संगठन सनातन फाउंडेशन ने एक जनहित याचिका दायर करके अनुरोध किया है कि या तो इस फिल्म का टाइटल और कुछ फिल्मी सीन्स को बदल दिया जाए या फिर इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। शिल्पा शेट्टी काफी समय से बड़े पर्दे से दूर हैं। अब अभिनेत्री का कहना है कि वह रुपहले पर्दे पर वापसी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर उन्हें अच्छी स्क्रिप्ट मिली तभी वह बॉलीवुड में दोबारा काम करने के लिए तैयार होंगी। भारतीय मूल की कैनेडियन अभिनेत्री लीजा रे अक्सर ही सुर्खियों में बनी रहती हैं। इस बार लीजा ने फैंस के साथ एक ऐसी गुड न्यूज शेयर की है कि फैंस उन्हें बधाइयां देते नहीं थक रहे हैं। इंस्टाग्राम पर लीजा ने जुड़वा बेटियों की मां बनने की खुशखबरी सभी के साथ साझा की है। ऋषि कपूर और जूही चावला की जोड़ी 2 दशक से भी ज्यादा वक्त के बाद फिर से पर्दे पर नजर आएगी। दोनों एक पारिवारिक कॉमेडी में साथ दिखेंगे। दोनों की जोड़ी लास्ट टाइम 1996 में दरार में नजर आई थी। इस हफ्ते बॉलीवुड में जो भी बड़े अपडेट्स रहे, वो तो हमारे शो मुंबई मसाला में आप तक हमने पहुंचा दिए। अगले हफ्ते एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ, और इसी तरह की कुछ गॉसिप से भरी चटपटी खबरों के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।